2 दिन है यहाँ पे, आपको जितना अच्छा खासा पॉइंट निकाल सकते हो, आप जितना एनिमी से उनके जो स्ट्रैट्स जितना वो रिवील करवा सकते हो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप जब जैसे सुपर वीकेंड की तरफ जाते हो वो है रियल डील, वही है रियल मसाला, और वही चाहिए कि वहां पे जितना भी आपका जैसा परफॉर्मेंस रहता है वो आपका रिफ्लेक्ट करता है आपका ओवरऑल लीग के स्टैंडिंग्स की तरफ। बट अगर ओवरऑल स्टैंडिंग्स की अभी बात करी जाए तो ऑरेंज रॉक येट अगेन ऑन द टॉप मेंटेन करते हुए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, बी इट किल्स बी इट पोजिशन, 51 पॉइंट्स पे सेकंड पोजिशन पे, यहाँ पे नो चांस टीम्स कंसिस्टेंटली यहाँ पे चिकन डिनर्स तो नहीं आ रहे, बट उनका जो पोजीशनिंग पॉइंट्स है वो बहुत ही बेहतरीन है। जी हाँ, पोजीशन पॉइंट्स वहाँ पे काफी अच्छे से टीम्स निकाल रही है, लेकिन अब वही चीज जैसे हम बात कर रहे थे, अग्रेशन कितना आगे तक टीम को ले आता है। 23 किल पॉइंट्स ऑरेंज रॉक के आते हैं, 22 प्लेसमेंट पॉइंट्स यहाँ पे बैठी है बिगरट्रॉन रेड एलियन, सो प्लेसमेंट पॉइंट्स से ज्यादा किल पॉइंट्स हुआ निकाल चुके हैं और लीड उन्होंने बहुत अच्छी बना ली है। तो एट दिस पॉइंट आई थिंक आई फील प्रीटी कंफर्टेबल सेइंग ओआर यहाँ पे जो पहला सुपर वीकेंड है ऑलरेडी एक अच्छा पोजीशन अपने लेकर चलिए। टीएसएम एंटिटी भी 11th पोजीशन तक आ चुकी है 16 पॉइंट्स के साथ, बट अब कंपेयर करते हैं तो 15th, 16th और 17th पोजीशन को कंपेयर करते हैं तो यू लेवल ऑफ ई स्पोर्ट्स और टीम सीक्रेट दोनों की दोनों 10